खबर राजधानी रायपुर से है, जहां कांग्रेस के 11 पूर्व सदस्य सिरसा में प्रचार करने के मामले पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने अपने बयान में कहा कि 11 लोग भाजपा के इलेक्शन मटेरियल हैं। इन लोगों की अनिवार्यता इसके बाद खत्म हो जाएगी और जो लोग अपनी पार्टी के नहीं हुए वह सिरसा जाकर क्या कर लेंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यह यहाँ के प्रासंगिक नहीं पाए गए हैं, वहाँ के प्रासंगिक क्या रहेंगे, चुनाव के बाद इनकी आवश्यकता खत्म हो जाएगी। वही नक्सलियों के खिलाफ बनी रणनीति पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि आज जो नीति चल रही है वह रमन सरकार की बनाई हुई नीति है, अब वह अपनी नीति को बदलना चाहते हैं तो बदलाव कर सकते हैं। मैं आज उत्तर प्रदेश बाराबंकी जा रहा हूँ, कल वहाँ राहुल जी की सभा है, उसके बाद हरियाणा जाऊँगा और वहाँ 23 तारीख तक हरियाणा रहूँगा, उसके बाद आऊँगा। और हरियाणा में इस बार कांग्रेस का माहौल अच्छा है और जहाँ इन लोग 11 लोग जा रहे हैं वहाँ वैसे भी कांग्रेस का एक तरफा माहौल है सिरसा में, और वहाँ अन्य लोगों का कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि जानते हैं जो अपने पार्टी के नहीं हो जहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी पहले कांग्रेस में PCC के अध्यक्ष रह चुके हैं, और लोग समझते हैं कि वो कई पार्टियों में जाने के बाद कांग्रेस भाजपा में गए हैं, तो लोग इस बात को समझ रहे हैं और पूरा हरियाणा में इस बार कांग्रेस का माहौल है। सर ये ऑनलाइन देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नक्सल नीति है वो प्रदेश के लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, वो क्या करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, अपनी नीति स्पष्ट करे। अभी जो मुठभेड़ हुए हैं बहुत सारे जगह में, उसमें नक्सली ना होकर आदिवासियों के मारे जाने की चर्चा हो रही है, तो इस पर सरकार को देखना चाहिए कि वास्तव में क्या हो रहा है। ये कस्टम मिलिंग घोटाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिसड्डी है और कोई काम नहीं कर पा रही है। पूरे प्रदेश में भी कानून व्यवस्था की स्थिति आप देख लीजिए पूरी खराब है, जगह जगह चोरी डकैती हत्या बलात्कार और चाकूबाजी की घटनाएं हो रही, निश्चित रूप से आज जितनी खराब स्थिति छत्तीसगढ़ में ऐसी पहले कभी नहीं रही है।